वेलकम फ्रेंड्स, आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वॉचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, फ्रॉम टूडे वी आर स्टार्टिंग ए न्यू सेगमेंट इन आर हिस्ट्री क्लासेस, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ। हम पिन पॉइंटेड कॉन्सेप्ट देंगे आपको इन क्लासेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इतिहास को हम समझाने की कोशिश करेंगे। और इससे ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये आपके बड़े कॉन्सेप्ट में तब्दील होगा बाद में जाकर। जो बड़ी क्लासेस की मेरी सीरीज है वो तो लगातार चलती ही रहेगी, उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इसके लिए छोटी क्लासेस के लिए भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और ये वीडियोस जो होगी ये बिल्कुल 5 मिनट 7 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट की हो सकती है। तो इन चीजों को हम समझें और आप देखें इन वीडियोस को और कोशिश करें कि अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर से बेहतर ढंग से बना सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इतिहास की शुरुआत करते हैं तो हम शुरू करते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री से। बेसिकली ये क्या है, तीन चीजें ये समझना बहुत जरूरी है। प्री हिस्ट्री हिंदी में अगर इनको कहें तो हम कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो उसे कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कहेंगे ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों को समझते हैं। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इसे अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल, और इसे हम कहेंगे, थोड़ा मैं इसे इधर लिख देता हूं, हिस्ट्री ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री ऐतिहासिक काल। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए जब भी हम इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है किताबों में जिन्होंने राइटर्स ने लिखा, बेसिकली दो चीजों से पता चलता है। एक तो एक्सकवेशन से, यानी जो खुदाई में चीजें मिली, और एक जो उस समय के रिटन मटेरियल कुछ मिल गए। ठीक है, तो एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होंगे, ठीक है, इसे मैं लिखता हूं आर्कियोलॉजिकल, यानी जो खुदाई में मिले पुरातत्व वेदियों ने उन्हें ढूंढ के निकाला एक्सकवेशन में, और दूसरा हो जाएगा रिटेन। ठीक है, तो इन चीजों से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। यहां भी मैं यही लिखता हूं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटेन एविडेंस, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटेन एविडेंस, डब्ल्यू से रिटेन, ए से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जो एक्सकवेशन में, आर्कियोलॉजिकल का मतलब यह हो गया कि एक्सकवेशन हुए, खुदाई हुई और उससे जो एविडेंसेस मिले। तो देखिए अब प्री हिस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है, प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल की बात करें, तो सबसे बड़ी बात कि यहां पर आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर रिटन मटेरियल नहीं है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं यानी खुदाई में कुछ चीजें मिली है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन रिटन इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रहा, तो इसे हम कहेंगे प्री हिस्ट्री, जहां सिर्फ हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे ही इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में देखिए आर्कियोलॉजिकल भी है और रिटन भी है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, यहां पर रिटन तो है लेकिन यहां पर रिटन जो है ये जो है ये यूजलेस है। यूजलेस है, क्यों यूजलेस है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो मिले हैं, रिटन मटेरियल मिला, लेकिन उस समय की स्क्रिप्ट लिखी गई उसको पढ़ा नहीं जा सका, जो भी लिखा गया उस समय, ठीक है, उस समय के स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं जा सका। तो जब तक पढ़ा नहीं जाएगा तब तक उस समय क्या हुआ था इस रिटन मटेरियल के आधार पे तो हम पता लगा ही नहीं सकते। तो यहां भी हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे ही डिपेंड करेंगे। जैसे कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता,
तो वहां के जो स्क्रिप्ट मिले हैं, स्क्रिप्ट तो मिले हैं, तो उसमें क्या है कि वहां पे पिक्चोरियल पिक्चर बना बना के स्क्रिप्ट लिखा गया है, ठीक है ना। तो उन स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया अभी तक, जिस दिन पढ़ लिया जाएगा तो वो भी फिर हिस्ट्री के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ा नहीं गया। तो इसलिए जब तक नहीं पढ़ा गया तो स्क्रिप्ट तो है यूजलेस, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर यूजलेस है, आर्कियोलॉजिकल है लेकिन यूजलेस है, यहां पर रिटेन होने के बावजूद यहां पर रिटेन तो है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, यानी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आपको ये भी है और ये भी है यहां भी, लेकिन ये जो है हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, इसका यूज हो रहा है, यूजफुल है ये, ठीक है, यूजलेस नहीं है, यहां पर यूजलेस है, यहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, यूजफुल है, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या रह गया, देखिए यहां पर हमने बताया कि यहां पर आर्कियोलॉजिकल है, रिटेन है ही नहीं, यहां पर आज आर्कियोलॉजिकल है, रिटेन भी है, लेकिन रिटेन यहां पे यूजलेस हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पे पढ़ा ही नहीं गया, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, ठीक है। स्टोन एज आ जाता है यहां पर प्राग ऐतिहासिक काल में, यहां पे आ जाएगा स्टोन एज, पाषाण काल, ये प्राग ऐतिहासिक काल में, यहां आईबीसी आ जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये आ जाएगा। अब यहां पर देखिए दोनों दोनों से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं और रिटेन भी है, यानी कि जो खुदाई में सामान मिला उससे तो इंफॉर्मेशन मिल ही रहा है, साथ साथ जो हमें रिटेन मटेरियल मिला उसको भी पढ़ पाने में हम सक्षम हैं, तो इसे कहेंगे ऐतिहासिक काल। यानी अगर रियल में देखें तो इतिहास की शुरुआत हम वहीं से कह सकते हैं रियल में ऐतिहासिक काल की, जहां से हमें रिटेन एविडेंसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए समानता क्या है तीनों में, समानता यह है कि तीनों के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज मौजूद हैं। असमानता क्या है कि रिटेन मटेरियल में यहां डिफरेंसेस है, यहां रिटेन नहीं है, यहां रिटेन है, पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए वो रिटेन अभी तक तो यूजलेस है, ठीक है। अगर पढ़ लिया गया तो बात अलग है, तो इतिहास इसकी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और यहां दोनों हैं, दोनों यूजफुल हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से शुरू होती है। जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करोगे तो जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा, जो इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे शुरू से, लेकिन जो नए लोग हैं जो शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है उनको ना पता हो, हालांकि मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए। फिर भी मैंने ये छोटे कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये। तो इस वीडियो को देखिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।